हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो प्रश्नावली है 12.1 और इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर है 15। क्या दिया है? 15वां क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुनुमा खोल काट लिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन मान लिया ये कैपिटल एच है, दे रखी है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, ये होता है व्यास का आधा। तो व्यास हमें दे रखा है कितना, 1.4/2। तो आर रेडियस निकल के आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ये आर आ गई। अब इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुनुमा खोल काट लिया जाता है, तो ये बेलन रहा इस तरह का। अब इसी में से क्या करना है, शंकु को काटना है, जिसकी ऊंचाई हमें यही रखनी है 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी वही रखनी है कितनी, 0.7 सेंटीमीटर। तब कह रहे हैं शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इसमें से ऊंचाई यही रहेगी, इस तरह से ये शंकु काट लिया गया, ये इतना हिस्सा इसमें से कटा हुआ है, ये हिस्सा काट लिया गया है, तब जो ये हिस्सा बचा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले ये राउंडेड वाला हिस्सा हमारे पास बचा होगा, मींस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका ये आधार भी है, तो एक आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि दूसरी तरफ तो हमने उसे काट दिया है, एक आधार का क्षेत्रफल प्लस अभी हमने इसमें जो गड्ढा किया है शंकु के आकार का, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, तो ये क्या है, शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका भी केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही रहेगा, क्योंकि ऊपर आधार है नहीं, वो तो खोद करके निकाल दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh। तो चूंकि ऊंचाई समान ही है तो इसे स्मॉल h ही मान लेते हैं, h प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार होता है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर प्लस। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहां से पाई आर सभी जगह से कॉमन, यहां से कितना बचेगा, 2h प्लस यहां से r और यहां से l। अब
हमें क्या क्या चाहिए? एच चाहिए, तो एच तो हमें पता है, त्रिज्या ये भी हमें पता है, एल ये शंकु की त्रियक ऊंचाई हमें नहीं ज्ञात है, तो इससे हम ज्ञात कर लेते हैं एल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो अंडर रूट आर कितनी है? 0.7 0.7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एच कितनी दे रखी है? 2.4 का होल ऑफ स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये? ये मिलेगा 0.49 प्लस ये मिल जाएगा 5.76। 24 का 576 होता है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा? 6, 9, 15 हासिल का 1, 4 और 7, 11 और 1 हासिल का 12 है, और 5 और 1, 6 625। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 625 का होता है 25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब वर्गमूल ले लेंगे तो 1 के बाद पॉइंट रह जाएगा, तो L आ गई कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं, पाई का मान 22/7, R का मान 0.72, H हमें दे रखा है 2.4, R 0.7 है, प्लस L 2.5। सॉल्व करेंगे इसे, 7 से इसको 2, 1 जा कितना, ये 2.2 आ जाएगा इधर, 24 × 48 मतलब 4.8 प्लस 0.7 और 2.5 ऐसा का ऐसा ही 2.2। इधर सबको जोड़ लेते हैं, 8, 7, 15, 15, 5, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 और 2, 4 और 4, 8 हो गया, तो ये मिल गया 8। 8 की इससे गुणा करा देते हैं, 8 × 16 और 1 हासिल का 17, तो ये आ गया 17.6 और ये सेंटीमीटर में दे रखा था, तो वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया था, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्या दिया है? एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन। तो एक ठोस बेलन है, यह बेलन रहा, इसकी ऊंचाई h दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आप कहा है 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, आधार की ये जो त्रिज्या है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर h बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। और कहा है इस बेलन से समान ऊंचाई और समान आधार वाला लंब वृत्तीय शंकु हटा लिया जाता है, तो इस प्रकार बचे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें से भी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का इस तरह से ये एक शंकु निकाल लिया गया है, तो इस प्रकार बचे जो भी ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की ही तरह है। तो कैसे करेंगे? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस एक आधार का क्षेत्रफल जो नीचे का हिस्सा है, ये आधार का क्षेत्रफल प्लस और क्या चाहिए, जो हमने ये खोदा है शंकु के आकार का हिस्सा उसका क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, और एक आधार का क्षेत्रफल ये वृत्त के आकार का होता है तो पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसमें भी हमें एल की जरूरत पड़ेगी तो एल का मान निकाल लेते हैं, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर ये 6 सेंटीमीटर और एच कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से L का मान निकाल लेते हैं, ये कितना मिल जाएगा 6 × 6 = 36 और ये 10^100, तो कितना आ जाएगा 136। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसे निकालना पड़ेगा 136, तो बाद वाले दो नंबर्स का जोड़ा बना लिया तो एक एकम एक, यहां पर ये 2 मिल गया, ये कितना 36 बचा, एक में से एक गया 0। अब कितने बार चला जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार ज्यादा हो जाएगा 22 × 44 हो जाएगा, तो 21 एकम 21, कितना बचेगा यहां से 15 है। पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद यहां पर 0 रहे होंगे तो एक डिजिट तक ज्ञात कर लेते हैं, 2 0 नोट कर लिए, तो ये हो गया 21 और 1 22। अब कितना बार चला जाएगा यहां से 7, लगभग 6 बार 226, 6 बार देखते हैं, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12 और 3 = 15 हासिल का 1, 6 × 2 = 12 है और 1 = 13 है, 1356। 7 बार करके देखते हैं 227, 7 बार तो 7 × 7 = 49 हासिल के 4, 7 × 2 = 14 और 4 = 18 हासिल का 1, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, ये 1589 ज्यादा हो जाएंगे, तो कितना बार चला जाएगा, लगभग 6 बार, तो कितना मिल जाएगा 6 बार में 1356। अब बचा यहां से 4, इधर 9 में से 5 गया 4, इधर 4 तो 1 बचा, तो ये कितना मिल जाएगा 232। तो पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 और उतार लेंगे तो लगभग बार चला जाएगा 6 बार, फिर से 2 3 2 6, तो 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 3 = 15 हासिल का 1, 6 × 3 = 18, 1 = 19 हासिल का 1, 6 × 2 = 12 और 1 = 13 है, 13956। तो लगभग 6 बार ही जाएगा, तो लगभग 11.7 सेंटीमीटर आ जाएगी, 11.7 सेंटीमीटर। तो यहां से पाई आर ले लिया कॉमन, ये बचेगा 2h प्लस का r और ये l, पाई का मान 22/7, r कितना है 6 है, 2 एच हमें 10 दे रखा है प्लस r 6 है प्लस l, ये हमने निकाला है 11.7 या 6 6, लगभग 7, तो ये कितना मिल जाएगा 22 × 132/7 गुणा ये 2.52 6 और ये 11.7, तो 132/7 गुणा में 20 × 6 = 26 + 11 = 37.7, 7 से ऐसे भाग दे देंगे तो ये 7 × 5 = 35, 7 से 37.7 के लिए, तो 7 × 5 = 35, 2 बचा
पॉइंट लगाया, सात उतार लिया, सातिया 21, तो यहां से 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया, 7 8 56, तो लगभग 5.38, तो 132 गुणा गुणा 5.38, 132 की 5.38 से गुणा करा लेते हैं, 132 की 5.38 से, तो 2 8 16, 2 3 6 7, 2 5 10, इधर 3 8 24, 3 3 9 और 2 हासिल के 11, 3 5 15 और 1 16, 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो 6 7 4 11 और ये 8 1 9 और 1 हासिल का 10 और ये हो गया 1 6 7 3 10 और 1 हासिल का 11 है और ये 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव लग गया, तो वैल्यू मिल जाएगी लगभग कितनी, 710.16, और ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या दिया है, एक खोखला गोला है, तो ये खोखला गोला हो गया जिसमें आंतरिक और बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, अब बाह्य व्यास दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ये खोखला गोला है, इसका मतलब इसमें जो अंदर वाला ये हिस्सा है ये कैसा है नहीं, ये खोखला गोला है, तब इसको पिघलाकर एक शंकु के आधार का व्यास, तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो शंकु बनाया जाना है इसी से, तो शंकु होगा इस आकार का, तो इसे कन्वर्ट किया गया है इसमें, इसको पिघला करके, तो शंकु का आधार का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछी गई है तो मान लिया इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है और त्रिज्या ऊंचाई पूछी गई है, त्रिज्या ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात, सॉरी आयतन ज्ञात करना है, तो ठोस गोले का आयतन, आयतन कभी भी किसी भी आप रूप में परिवर्तित कर लीजिए वस्तु को, आयतन हमेशा उतना ही रहता है, तो ठोस गोले का जो आयतन है वो किसके बराबर रहेगा, इस शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के, तो सबसे पहले तो हमें ये चीजें नोट कर लेनी है, तो क्या दे रखा है इसमें, त्रिज्या दे रखी थी, तो यहां पर एक साइड में नोट कर लेते हैं, मान लिया इसकी त्रिज्या है, माना त्रिज्या आर वन कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर है, आर टू जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और
इसमें ये कैपिटल आर मान लेते हैं और ये एच, ये किसके लिए हो गया, ये दोनों हो गए गोले के लिए। आर शंकु के लिए त्रिज्या ये आर मान ली कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, मीन्स व्यास 8 सेंटीमीटर दे रखा था तो त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये h मान ली, तब त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी l, वो बाद में चलो निकाल लेंगे, फिलहाल अभी हमने इतना सपोज कर लिया है। अब ठोस गोले का आयतन, चूंकि ये खोखला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये कब, जब ये पूर्णतया ठोस हो, लेकिन ये आधा कैसा है, खोखला है, तो बीच क्या करें, जो बाहरी हिस्सा है उसमें से अंदर का हिस्सा, ये आंतरिक हिस्सा है नहीं, इसको माइनस कर दें। तो क्या करेंगे, बाहरी हिस्से में से आंतरिक हिस्सा माइनस करना है, तो आयतन तो 4/3 πr³ ही रहेगा, लेकिन त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी है वो हमने r2 मानी है तो r2, और आंतरिक त्रिज्या r1 मानी है तो r1 बराबर। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। अब क्या करना है, 4/3 π यहां से लिया कॉमन, तो ये r²-r³³ बराबर 1/3 πr² h। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 वैल्यू रखेंगे यहां से, r2 की वैल्यू कितनी है 4³-r²³ 2³ बराबर। इधर एक ऐसा का ऐसा ही, एक से किसी की मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैसा का वैसा ही रहता है, फिलहाल एक r हमने 4 मानी है क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन, और एच ऐसा का ऐसा ही, तो 1 4 से 1 4 ये कैंसिल भी हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 का घन होता है 4 × 16 × 64 माइनस 2 का घन होता है 8 बराबर 4×h, तो 4h बराबर कितना मिल जाएगा, 64 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 52, तो h बराबर कितना मिल जाएगा 52/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 है, एच बराबर 13 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई आ गई, हमसे पूछा है त्रिज्या ऊंचाई, तब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है r² + h² तो r कितनी है 4 का वर्ग, ये 13 है, कितना मिल जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16 है, 13 का वर्ग 169, कितना आ जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 और 6 7 और 1 हासिल का 8 और 1 ऐसा का ऐसा ही, तो अंडर रूट 185, इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा कितना, अलग निकाल लेते हैं इसको, 185 का, तो 1 1 = 1, तो यहां से कुछ बचा नहीं, ये प्लस होते हैं 2, ये 85 नोट कर लिया, कितना बार चला जाएगा, लगभग 3 बार, 23 तिया होते हैं 69,
कितना आ जाएगा, 3 ऐड होंगे, 15 में से 9 गया, 6 इधर, 1 बचा, पॉइंट लगाया, इधर 0 रहे होंगे पॉइंट के बाद में, तो 1 जोड़ा नोट कर लिया, तो ये हो गया 2303, 26 कितना बार चला जाएगा, लगभग 7 बार, 267, 7 बार देखते हैं, 7 सत्ते 49, हासिल के 4, 7 छक 42, 42 और 4 44, सॉरी 7 छक 42, 42 और 4 46 के 6 हासिल, फिर से 4, 7 दूनी 14 और 4 16, 14 और 4 18, तो 1869 ये ज्यादा हो जा रहा है, 6 बार देखते हैं, 266, 6 छक्के 36, हासिल के 3, 6 छक 36 और 3 39, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15, लगभग 6 बार चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1596। तो हमने केवल दो ही एक अंक तक ही इसका मान निकाल लेते हैं, तो L का मान मिल गया 13.6 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। दोबारा से हमसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इसी शंकु का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर ये 4 दे रखी है, और एल का मान हमने निकाल लिया है 13.6, तो कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करा लेते हैं सबकी, 22 चौक उनकी पहले इनकी करा लेते हैं, 22 छक्के 132 का 2 हासिल लगे 13, 22 तिया 66, 66 और 13 79 के 9 हासिल 7, 22 से कम 22, 22 और 7 हो गए 29, अभी गुणा में 4 रह गए हैं, एक के बाद दशमलव था, एक के बाद दशमलव लगा लिया, बटे में 7 हैं, ये भी लिख लिए, गुणा कराएंगे कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, हासिल के 3, 4 नेम 36 और 3 39, फिर से 3 हासिल के, 4 दूनी 8 और 3 11 है, 7 से इसे भाग दे देते हैं, 7 से 11 है 196 दशमलव 8 के लिए, तो कितना मिल जाएगा, 7 एकम 7, 4 बचे 9 उतार लिया, 7 सत्ते 49, 6 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 दिया और पॉइंट दिया, नेक्स्ट नंबर उतार लिया, 7 8 56 7 नेम 63, 5 बचे पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 सत्ते 49, तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 170.97 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यह अभ्यास समाप्त हो चुकी है, नई अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।